आज हम स्टैक का फोर्थ एप्लीकेशन देखने वाले हैं और वो है पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। नाउ अभी अब तक हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन देखे हैं, जैसे कि अभी ए प्लस बी, ये क्या है? ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। क्यों इनफिक्स? क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो क्या है? ऑपरेंड्स के बीच में है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मतलब क्या? अगर हम कुछ इसको ही अगर हम पोस्ट फिक्स में लिखना चाहें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो पोस्ट फिक्स नाम से पता चल रहा है, पोस्ट यानी क्या? जो भी ऑपरेटर है यहाँ पे वो ऑपरेंड्स के बाद में आता है, ऑपरेटर्स के पोस्ट में आता है। सो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स को फॉलो करते हैं। सो आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। नाउ इवैल्यूएट करना यानी सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन जो है उसमें नंबर्स होने चाहिए। सो हम इस वाले ये वाला जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें हम ऐसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लेंगे जिसमें कि नंबर्स लाइक 1, 2 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 2। सो इस तरीके के एक्सप्रेशन हम लेंगे। जो लेटर वाले एक्सप्रेशन है इसे हम इस प्रैक्टिकल में नहीं लेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये 1, 2 प्लस का मतलब क्या है? 1 प्लस 2। सो अगर मुझे इसे इवेल्युएट करना है सो इसका आंसर क्या होएगा? मुझे पता है कि 1, 2 प्लस यानी 1 प्लस 2, सो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3। सो अगर छोटे एक्सप्रेशन है आप इसे वर्बली भी मतलब कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बट जब एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है सो इसे मैनुअली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो हम इसे यूजिंग स्टैक, हम स्टैक का इस्तेमाल करके किस तरीके से बड़े बड़े पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं वो हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। सो अब हम पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन के रूल्स देखने वाले हैं। सो मान लीजिए जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो है exp। सो हम सीधा क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर से ट्रैवर्स करेंगे। सो फॉर कैर इन exp, सो यहाँ पे ये कैर जो है ये बेसिकली एक वेरिएबल है जो ये डिनोट कर रहा है कि एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर को। सो अगर वो कैरेक्टर एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड से मेरा मतलब नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि हम यहाँ पे सिर्फ नंबर से फोकस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ कैलकुलेशंस करना है। सो अगर वो कैरेक्टर एक ऑपरेंड है तो हम सिंपली उसे स्टैक में पुश कर देंगे। अगर वो कैरेक्टर एक ऑपरेटर है यानी जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ और है, सो अगर वो एक ऑपरेटर है सो हमें सिंपली क्या करना है, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को हमें पॉप करना है, स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को हमें पॉप करना है। मान लो कि वो जो दो टॉप के एलिमेंट्स है उसे मैंने x और y वेरिएबल में स्टोर किया। सो x और y जो है स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स है, हमें सिंपली क्या करना है, ये x कैर y यानी x और कैर हमारा क्या डिनोट कर रहा है? ऑपरेटर डिनोट कर रहा है। कैर जो है अगर वो एक प्लस है, अगर वो प्लस है तो यहाँ पे x प्लस y होगा, अगर वो माइनस है तो x माइनस y है। सो बेसिकली कैर एक ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर जो होगा उसके बेसिस पे x और y का कैलकुलेशन होगा, और जो भी रिजल्ट है उसे हम किस में रख रहे हैं, एक वेरिएबल में वैल में रख रहे हैं। तो बेसिकली हम स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को हम फिर से किस में पुश करने वाले हैं, स्टैक में पुश करने वाले हैं। सो ये आपको पूरे जब तक एक्सप्रेशन आप ट्रैवर्स कर रहे हो तब तक आपको यही लॉजिक फॉलो करना है। एक्सप्रेशन में आपको इधर ऑपरेटर मिलेगा नहीं तो ऑपरेंड मिलेगा। सो अब वंस आपका एक्सप्रेशन कम्प्लीटली ट्रैवर्स हो जाता है तो आपके स्टैक में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, अगर आपने प्रॉपरली कैलकुलेशन किया तो। सो वो एक एलिमेंट जो होगा वही हमारा इवेल्युएशन का आंसर होगा, वो हमारा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि वंस द एक्सप्रेशन इज ट्रैवर्स्ड, एक बार आपने इस एक्सप्रेशन के हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स कर लिया उसके बाद में आपको टॉप एलिमेंट जो है स्टैक का उसको आपको सिंपली रिटर्न करना है। और मैंने ब्रैकेट्स में लिखा भी है टॉप एलिमेंट जो होगा विच विल बी ओनली वन एलिमेंट, टॉप एलिमेंट जो है वो अकेला एक ही एलिमेंट बचा होगा स्टैक में, उसके सिवाय कोई और एलिमेंट नहीं बचा होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद एन एग्जांपल। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, एज यू कैन सी आप लोग इसे मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ पार्ट्स कर सकते पर पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। सो इसलिए अब हम इसे यूजिंग स्टैक सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हम यही वाला जो फॉर्मूला सेट लिखा हुआ है उसे ही रेफर करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो पहला रूल क्या है कि हम कैरेक्टर्स जो है यानी एक्सप्रेशन के सारे कैरेक्टर्स से हम ट्रैवर्स करेंगे। सो पहला इटरेशन में हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होगा? 2। सो 2 जो है वो बेसिकली क्या है, मैंने क्या बोला है, ऑपरेंड है। 2 जो है वो क्या है, एक ऑपरेंड है, तो हम सिंपली उसे क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। सो यहाँ पर 2 आ चुका है। नाउ अब इटरेशन 2 में जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 3। सो यहाँ पर 3, अगेन 3 भी एक ऑपरेंड ही है, सो हम इसे भी क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। अब उसके बाद में थर्ड इटरेशन में हमारा कैरेक्टर जो है वो क्या है, 1।
सो इटरेशन थ्री में हमारा कैरेक्टर वो वन है और अगेन वो भी एक ऑपरेंड है, सो हम उसे भी क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे। इटरेशन फोर में हमारा जो कैरेक्टर है वो है एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन। सो अब यहाँ पर हम रोल सेट देखते हैं। सो अगर कैरेक्टर जो है वो एक ऑपरेटर है, सो मैंने क्या बोला स्टैक के टॉप के जो दो एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको पॉप करना है और ये वाला वैल्यू वैल जो है उसे कैलकुलेट करना है और उसे अगेन स्टैक में क्या करना है पुश करना है। सो अभी इटरेशन फोर में क्योंकि हमें एक ऑपरेटर मिला है सो अब हम ये वाले रूल को फॉलो करेंगे। सो अब हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो x विल बी इक्वल टू स्टैक का जो भी टॉप है हम उसे पॉप कर देंगे। सो ये हमारा टॉप था सो इसको हमने पॉप किया। सो अभी x का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 1। सो अभी जैसे हमने 1 को पॉप आउट करा दिया स्टैक से सो अभी टॉप हमारा जो है वो क्या बनेगा 3। सो अब हम इसको अगेन पॉप कराएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ पॉप कराना है। सो y विल बी अगेन ये वाले को भी हम पॉप कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। सो अब हमारा टॉप जो है वो होगा 2 और ये दोनों ही अभी स्टैक से जो है वो पॉप आउट हो चुके हैं 1 और 3। नाउ वन मोर चेंज, यहाँ पर हमारा x कैर y नहीं होगा, y कैर x होगा। देखिए जब कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर डेजिग्नेट कर रहा है। सो अगर यहाँ पे प्लस है या मल्टीप्लाई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर माइनस या डिवाइड है सो इन दोनों के प्लेस चेंज का फ़र्क उस पर पड़ता है। सो यहाँ पे पहले हमारा सेकंड वाला जो ऑपरेटर है वो होगा, सॉरी सेकंड वाला यानी वाई वाला जो हमारा ऑपरेंड है वो होगा, उसके बाद में हमारा एक्स होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली हमने एक्स और वाई को पॉप करवा दिया है सो अब हमें वैल कैलकुलेट करना है। सो वैल बेसिकली क्या होगा, तो देखो एक्स क्या है 1, y क्या है 3 और एट प्रेजेंट हमारा कैर क्या है एस्ट्रिक। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 × 1 = 3। सो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये क्या करना है हमें, ये जो वैल है इसको क्या करना है स्टैक में पुश कर देना है। सो अभी ये जो 3 मिला है हमें, हम इसे सिंपली क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे। सो अब हमारा टॉप जो है वो क्या हो चुका है 3। या सो इटरेशन 4 कंप्लीट हुआ इसके साथ। अब हम इटरेशन 5 में चलेंगे और वहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या है प्लस। सो इटरेशन 5 में कैर का वैल्यू जो है वो है प्लस। सो अगेन प्लस जो है वो क्या है एक ऑपरेटर है। सो क्योंकि वो एक ऑपरेटर है सो अगेन हमें यही स्टेप्स फॉलो करना होगा, हमें स्टैक के टॉप के दो एलिमेंट्स को पॉप आउट कराना होगा और पॉप कराने के बाद अगेन हमें कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ को फिर से स्टैक में ऐड करना होगा। सो लेट्स डू दैट। सो अगेन यहाँ पर हमारा x जो है वो क्या होगा, हम पॉप करवा देंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा 3 यहाँ से पॉप होके इधर। अगेन y जो है वो क्या होगा, तो टॉप चेंज हो जाएगा 3 हट जाएगा तो टॉप होगा 2। सो अब हम इसे पॉप करवा देंगे सो y होगा 2। सो अब हमारा स्टैक जो है कम्प्लीटली क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, वैल का वैल्यू निकालना है। सो वैल विल बी इक्वल टू जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया वाई कैर एक्स, तो वाई क्या है 2, कैर क्या है प्लस, एक्स क्या है 3, तो 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 5। सो वैल का वैल्यू हमें क्या मिला 5। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने स्टेप्स में लिखा है पुश वैल टू द स्टैक। सो इस वैल को हम क्या कर देंगे स्टैक में पुश कर देंगे। सो अब यहाँ पे 5 इधर आ चुका है। सो अब हमारा स्टैक का टॉप भी जो है वो क्या है 5 है। सो नाउ नेक्स्ट इटरेशन में अब हम मूव करेंगे। सो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा जो कैर है वो क्या है 9। सो इटरेशन 6 में हमारा कैर का वैल्यू जो है वो क्या है 9। नाउ सी कैर जो है, अब यहाँ पे जो 9 जो है वो क्या है एक ऑपरेंड है। सो मैंने पहले बोला है अगर हमारा कैर जो है एक ऑपरेंड है तो हमें सिंपली उसे क्या करना है स्टैक में पुश कर देना है। तो हम सिंपली 9 को क्या कर देंगे स्टैक में पुश कर देंगे। सो अब हमारा स्टैक का जो टॉप है वो क्या बन जाएगा 9। ओके सो अब हम नेक्स्ट इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा कैर का वैल्यू जो है जस्ट गिव मी अ सेक। या सो इटरेशन 7 में हमारा कैर का वैल्यू जो है वो क्या है माइनस। सो कैर माइनस है यानी जो ऑपरेटर है, यानी कैर का वैल्यू जो है वो क्या है एक ऑपरेटर है। सो क्योंकि एक कैर जो है एक ऑपरेटर है तो हम ये वाले स्टेप्स को फिर से फॉलो करेंगे, स्टैक के टॉप टू एलिमेंट्स को निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू को अगेन स्टैक में क्या कर देंगे पुश कर देंगे। सो यहाँ पर अब हमारा x जो है वो क्या होगा 9 हो जाएगा, फिर टॉप चेंज हो जाएगा। सो अब y का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके सो अब
हमें वेल का वैल्यू निकालना है. सो वेल विल बी इक्वल्स टू वॉट, या ये भी अभी स्टैक से निकल चुका है. सो स्टैक अभी वैकेंट है, एम्प्टी है. सो वेल वाई कैर एक्स, सो वाई हमारा क्या है 5, कैर क्या है हमारा माइनस, एक्स क्या है हमारा 9. सो 5 माइनस 9 आंसर विल बी -4. सो अब हम इस वेल को क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे. सो अब यहाँ पर -4 हमारे स्टैक में है और यही हमारा टॉप भी है ना. अब अगर आप देखेंगे सो हम पूरी एक्सप्रेशन को हम ट्रैवर्स कर चुके हैं. अब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कम्प्लीटली क्योंकि ट्रैवर्स हो चुका है. सो अब हम यहाँ पर ये वाले कंडीशन में देखें, यहाँ पे आएंगे. सो वंस द एक्सप्रेशन इज ट्रैवर्स्ड रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. सो हमारा जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या होने वाला है, स्टैक का ये वाला टॉप एलिमेंट. और आप देख सकते हैं कि स्टैक में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यही चीज़ मैंने आपको तब भी बताया था. सो बेसिकली इस पूरे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है इसको इवेलुएट करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, -4. नाउ सी, अभी कोडिंग लॉजिक के हिसाब से तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है कि किस तरीके से हम इसे इवेलुएट करेंगे. और हम जब कोड लिखेंगे तब भी हम बिल्कुल यही सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है इसे हम फॉलो करने वाले हैं. नाउ एक बार मैं आपको मैन्युअली भी इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर एक्चुअली में -4 आ भी रहा है या नहीं. सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सो यहाँ तक ऑपरेंड्स है. सो 3 1 स्टार, 3 1 स्टार मतलब क्या, 3 into 1. तो 3 into 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अभी 3 1 स्टार के बाद यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारा, 3. तो अगर हम एक्सप्रेशन को फिर से लिख दे तो क्या हो जाएगा, 2 3. अभी देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, सो हम इसके जगह पे कुछ आंसर लिखेंगे. 3 1 स्टार का आंसर तो क्या है, 3, फिर +9 -. सो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. तो 2 3 + क्या हो जाएगा, 5 9 -. अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 - 9 तो आंसर क्या होगा, -4. सो अब मैंने आपको ये मैनुअली सॉल्व करके दिखाया. सो अगर एक्सप्रेशंस और भी काफ़ी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होंगे तब आपको ये भी करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी. सो द बेस्ट ऑप्शन इज दिस लॉजिक. सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट. सो यहाँ मैंने मेरा पाइथन का स्टैंडर्ड आइडियली ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पाइथन में कोड करेंगे. किसके लिए, ये देखने के लिए कि हम एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को किस तरीके से स्टैक की मदद से इवेलुएट कर सकते हैं, यानी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे यूजिंग पाइथन. सो अगेन यहाँ पर हम स्टैक का यूज़ करने वाले हैं. सो स्टैक कोड जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा है मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. सो इस क्लास से आप पहले से फैमिलियर हैं, हमने अपने प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें भी इस क्लास को देखा है. फिर भी मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ. क्लास माई स्टैक जो है हमारा स्टैक क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर जो हमारा ये जो सेल डॉट आइटम्स है एक्चुअल में हमारा स्टैक है जो कि बेसिकली एक लिस्ट है. लेंथ मेथड जो है हमें इस स्टैक का लेंथ रिटर्न करेगा. इज एम्प्टी मेथड जो है हमें ये बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं. अगर ये इज एम्प्टी मेथड जो है अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज एम्प्टी नहीं है. शो मेथड हमें स्टैक के जो भी एलिमेंट्स है उसे शो करता है. पुश मेथड हमें हेल्प करता है ये स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए. और पॉप मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैक के आइटम्स को पॉप आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. सो बाय डिफ़ॉल्ट पॉप मेथड जो है स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, सबसे ऊपर जो एलिमेंट है उसे ही पॉप करेगा, क्योंकि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला आर्किटेक्चर, लिफो आर्किटेक्चर जो है वो फॉलो करता है. सो अब हम इवेलुएशन के लिए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के इवेलुएशन के लिए हम कोड लिखेंगे. बिल्कुल वही लॉजिक फॉलो करने वाले हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करते वक्त समझाया था. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम यहाँ पे क्लास से बाहर निकल आते हैं और एक मेथड बनाते हैं जैसे हमने बाकी के एग्जांपल्स में बनाया. सो पहले हम क्लास से बाहर निकल आते हैं, एक नया मेथड बनाते हैं, सेट एफ, कोई भी नाम दे सकते हैं. मैं देता हूँ पोस्टफिक्स इवेलुएशन, पोस्टफिक्स इवेलुएट evaluate. या अगेन ये मेथड को हमें सेल्फ तो देना नहीं क्योंकि क्लास के अंदर है नहीं. सो अभी हमें बस इसे एक पैरामीटर देना है, वो है वो स्ट्रिंग, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग जिसको कि हम इवेलुएट करना चाहते हैं. सो अब यहाँ पर से मैं एंटर कर देता हूँ या exp. ये बेसिकली मेरा जो पोस्टफिक्स स्ट्रिंग है उसे डिनोट कर रहा है. इसी का हमें क्या करना है, इवेलुएशन करना है. प्रेजेंट. सो अब मुझे यहाँ पे स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने आपको समझाया था कि स्टैक के अंदर हम हमारे जो नंबर्स उसे स्टोर करेंगे. सो इसके लिए मुझे स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी. सो मैं ये जो माई स्टैक क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर. सो से नाम दे देता हूँ मैं स्टैक. सो स्टैक विल बी इक्वल टू माई स्टैक. यस ओके. फाइल को हम सेव कर देते हैं पहले. नाम दे देते हैं इवेलुएट पोस्टफिक्स.
evaluate postfix. Yeah. So अब हमें करना क्या है, हमें ये जो postfix string है इसके थ्रू इटरेट करना है, इसके हर एक लेटरल से पास आउट होना है और हमें चेक करना है कि अगर वो एक डिजिट है हम इसे सिंपली क्या करेंगे, स्टैक में ऐड करते करते जाएंगे, और अगर वो डिजिट नहीं है, इसका मतलब अगर वो कोई ऑपरेटर है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी अगर वो ऑपरेटर है, सो हमें स्टैक के जो टॉप के दो एलिमेंट्स है उन्हें पॉप आउट कराना है और उनके ऊपर वो ऑपरेशन करना है और अगेन रिजल्ट को स्टोर करना है. सो यही लॉजिक मैंने आपको तभी भी बताया था जब मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था. अब हम इसे प्रोग्रामेटिकली लिखेंगे. डोंट वरी, आई विल शो इट डायग्रामेटिकली एज वेल. सो पहले हम फॉर लूप लगाते हैं. सो फॉर आई इन दिस स्ट्रिंग, एक्सप्रेशन स्ट्रिंग, सो फॉर आई इन exp. सो हम एक्सप्रेशन के हर एक लिटरल के लिए हम देखेंगे. सो आई यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, exp का हर एक कैरेक्टर डिनोट कर रहा है. सो अब हमें क्या देखना है कि अगर वो आई डिजिट है यानी कोई नंबर है, क्योंकि हम इवेल्युएशन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का कर सकते हैं, लेटर्स का नहीं. टू थ्री मल्टीप्लाई, इसका मतलब टू और थ्री को मल्टीप्लाई करना है पोस्टफिक्स मैनर में, बराबर. पर अगर ए बी मल्टीप्लाई दिया रहेगा तो आप ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, बराबर. इसलिए हमें डिजिट्स के साथ ही यहाँ पर डील करना है. सो अब हम लिखेंगे इफ़ i डॉट इज डिजिट, यानी हम देख रहे हैं कि i जो है क्या वो डिजिट है, इट्स अ मेथड, सो पैरेंथेसिस इज रिक्वायर्ड. सो इफ़ i डॉट इज डिजिट, ये इज डिजिट वाला मेथड हमें पाइथन में मिलता है. सो अगर i जो है अगर वो एक डिजिट है तो हमें सिंपली उसे क्या करना है, हमने यहाँ पर जो स्टैक बनाया है उसके अंदर हमें उसे सिंपली क्या कर देना है, पुश करना है. सो इस स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश करने के लिए हमारे पास एक मेथड है पुश मेथड, जो कि एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, वो है वो एलिमेंट जिसे हमें ऐड करना है. सो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे. सो स्टैक डॉट पुश जो भी हमारा i होगा वो, ओके. या फाइल को सेव करना रहना है. अब अगर वो आई जो है वो डिजिट नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट अ डिजिट, तो हमें क्या करना होगा, एल्स कंडीशन में हमें देखना होगा. सो एल्स कंडीशन में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, स्टैक में से दो जो टॉप के जो दो एलिमेंट हैं उन्हें निकालेंगे और उनके ऊपर ये जो ऑपरेशन है वो करेंगे. सो ऑपरेशन से मेरा मतलब वो ऑपरेंड, जो ऑपरेंड यहाँ पे आई का वैल्यू जो भी ऑपरेंड होगा, क्योंकि आई अगर नंबर नहीं है, मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आई एक ऑपरेंड होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस इनमें से कुछ होगा. सो जो भी है वो उसका वाला जो भी वो है आई का वैल्यू, उस बेसिस पे ही हम जो है ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन करेंगे. सो अब हम यहाँ पर वो लॉजिक लिखते हैं. सो मान लेते हैं पहले वेरिएबल को वेल वन. सो वेल वन में स्टैक का टॉप एलिमेंट हम स्टोर करेंगे. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैक डॉट पॉप को कॉल करना होगा. सो स्टैक डॉट पॉप, या ओके. सो ये हमें स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो वेल वन में स्टोर कर वेल वन में दे देगा. वेल वन में हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट रहेगा. अब हमें दूसरा एलिमेंट भी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन तो हम लोग एक ही एलिमेंट के ऊपर नहीं कर सकते हैं. सो स्टैक का जो अभी टॉप करंट टॉप है, मतलब इसके निकलने के बाद, वेल वन के निकलने के बाद जो भी टॉप एलिमेंट है उससे भी हमें एक्सेस करना होगा. सो वेल टू विल बी इक्वल टू अगेन स्टैक डॉट पॉप. सो इसके चलते वेल वन और वेल टू में हमारे स्टैक के जो टॉप के दो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे. अब हमें क्या करना है, इस वेल वन और इस वेल टू के ऊपर आई जो भी ऑपरेंड को डिनोट कर रहा है वो वाला ऑपरेशन करना है. अगर आई प्लस है तो हमें वेल वन और वेल टू को प्लस करना है, अगर आई माइनस है तो वेल वन और वेल टू को माइनस करना है, और अगर मल्टीप्लाई है सो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, जो भी ऑपरेशन है वो करना है. और जो आंसर आएगा उसे हमें अगेन स्टैक में ही क्या करना है, पुश करना है, बराबर. यही हम लोगों ने बोर्ड में भी सॉल्व करते वक्त देखा था. सो लेट्स डू दैट. सो स्टैक डॉट पुश, स्टैक डॉट पुश, हमें स्टैक में पुश करना है. पर क्या पुश करना है, ये वेल वन और वेल टू को, ये जो भी आई जो है जो भी ऑपरेटर डिनोट कर रहा है वो ऑपरेटर के हिसाब से वेल वन और वेल टू का कैलकुलेशन करके हमें पुश करना है. सो अब हम यहाँ पर eval करके जो पाइथन का फंक्शन है उससे यूज़ करेंगे. सो ये eval जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपको स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने में हेल्प करता है. मतलब अगर मैं इवेलुएट के eval जो फंक्शन है उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन पास करता हूँ, सो ये उसे न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इवेलुएट करेगा, उसका रिजल्ट पता लगाएगा. सो यहाँ पर भी मुझे वही करना है. सो मेरा जो वेल वन और वेल टू है दे आर एक्चुअली इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट,
क्योंकि वो स्ट्रिंग से आए थे, तो कैरेक्टर्स है बेसिकली। सो इन कैरेक्टर और साथ ही मेरा जो आई जो ऑपरेटर है वो भी बेसिकली ये कैरेक्टर ही है। सो इन सभी को हम सीक्वेंस में यहाँ पास करेंगे और इसके बाद में ये फंक्शन जो है eval वाला फंक्शन ये ऑटोमेटिकली उसे क्या कर लेगा, evaluate करेगा। सो बेसिकली एक स्ट्रिंग को लेता है जो कि एक्सप्रेशन फॉर्मेट में हो और उसे evaluate करता है। सो अब हम हमारे वेल वन वेल टू और ये जो हमारा ऑपरेटर करंटली हमारा जो ऑपरेटर यानी जो आई का वैल्यू है उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के इसको देंगे। सो पहले हमारा आएगा वेल वन, फिर हम उसके साथ में आई अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे, प्लस आई, ओके, देन प्लस करके हम क्या अटैच करेंगे वेल टू को, या सो या नाउ यहाँ पर हमें यहाँ पे हमें वेल वन की जगह वेल टू लेना है और वेल टू की जगह वेल वन लेना है। क्यों मैं आपको समझाता हूँ। सो वेल टू और यहाँ पर वेल वन। सो नाउ सी वेल वन बेसिकली अभी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली जब समझाऊंगा तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। सो एट प्रेजेंट आप मान के चलिए, मैं यहाँ पे आपको नीचे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सो मान लीजिए एक्सप्रेशन एक छोटा सा एक्सप्रेशन। नाउ सी वेल टू और वेल वन का पोजीशन एक्चुअली मैटर नहीं करता अगर आई का वैल्यू प्लस या मल्टीप्लाई है ऐसा कुछ तो, पर अगर माइनस है तो उस केस में ये मैटर करता है एंड सेम इन द केस ऑफ डिवाइड। सो यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा है, जस्ट एक शॉर्ट सा एग्जांपल, 2 3 प्लस। अगर ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 को हमें क्या करना है, प्लस करना है। सो प्लस के पहले जो हमारा ऑपरेंड है यानी 2 जो है वो हमारा पहले आना चाहिए और 3 जो है वो बाद में आना चाहिए, ओके या पर जब हम स्टैक में स्टोर करते हैं ना सो उसका स्टोरिंग थोड़ा अलग टाइप का होता है। यानी पहले नीचे 2 स्टोर होएगा, उसके बाद में उसके ऊपर जाकर 3 स्टोर हुआ होगा, ओके। सो कुछ इस फॉर्मेट में स्टैक में लोग स्टोर होंगे। सो जो यूज़र होता है जब हम पॉप करते हैं सो पहले ये ऊपर वाला एलिमेंट यानी 3 पॉप होगा, यानी वेल वन का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, 3 होगा और वेल टू का वैल्यू बेसिकली क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। पर एक्सप्रेशन वाइज अगर हम देखें सो ये प्लस के पहले कौन होगा, 2 होगा, उसके बाद में 3 होगा, बराबर। यानी हमारा वेल टू जो है वो ऑपरेंड से पहले है, वेल टू जो है वो ऑपरेटर से पहले है और उसके बाद में वेल वन है। सो मैंने जैसे कि बोला अगर प्लस का केस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, नो मैटर्स। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे एक माइनस होता सो 2 - 3 और 3 - 2 दोनों में फ़र्क होता है। 2 - 3 अगर होएगा तो आंसर आपको 1 आए -1 आएगा और 3 - 2 होगा तो आंसर आपको 1 आएगा। सो या दिस मैटर्स। सो इसलिए यहाँ पर पहले हमारा वेल टू आएगा फिर वेल वन आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। सो या सो जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करते वक्त भी समझाया था, लास्ट में एट द एंड हमारा रिजल्ट क्या होगा, स्टैक का लास्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन से इटरेट कर लेंगे, लास्ट में पहुंच जाएंगे, एट दैट एंड स्टैक में एक एलिमेंट बचा होगा और वो सारे एक्सप्रेशन के कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा। सो हम उसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो अब हम बाहर आ जाते हैं फॉर लूप के और इस मेथड ये जो फंक्शन है पोस्टफिक्स इवैल्यूएट क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न अ वैल्यू जो कि बेसिकली क्या होने वाला है, स्टैक डॉट पॉप, क्योंकि स्टैक में लास्ट एलिमेंट होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप करके उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। सो अब हम यूज़र के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसका कोड लिखते हैं। सो हमें यूज़र से एक्सप्रेशन लेना है एज इनपुट। सो सेम वे सो exp विल बी इक्वल टू इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे इनपुट और हम यूज़र को बोलेंगे कि एंटर दी एक्सप्रेशन, एंटर दी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, या एंटर द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यस। सो ये इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेके exp नाम का जो ये वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर देगा। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली ये जो फंक्शन है पोस्टफिक्स इवेलुएट ये फंक्शन को कॉल करना है और उसे एज पैरामीटर हमें हमारा इनपुट एक्सप्रेशन पास करना है। सो आई विल कॉपी द फंक्शन नेम एंड या रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैं आंस नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। सो आंस विल बी इक्वल टू पोस्टफिक्स इवेलुएट और इसे हम एज इनपुट पास करेंगे क्या, exp एक्सप्रेशन, ओके। सो यस फाइल को हमें सेव कर देते हैं या
अब ये जो आंसर हमें जो भी मिला है हमें उसे क्या करना है, यूज़र के सामने प्रिंट भी करना है। सो प्रिंट इवैल्यूएशन रिजल्ट इज इवैल्यूएशन रिजल्ट इज, अब हम बाहर आके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं जो भी हमारा रिजल्ट जो कि आंसर में स्टोर है। सो आंस फाइल को हम सेव कर देते हैं। सो अब हम पाइथन शेल को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर पाइथन शेल ओपन हो चुका है एंड नाउ लेट्स रन द कोड F5 शॉर्टकट। सो एंटर द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें आ चुका है कि एंटर द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो मैं पहले एक छोटा सा एक्सप्रेशन देता हूँ। सो 2 3 1 मल्टीप्लाई प्लस वेर इज प्लस, या सो यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। अब नाउ लेट्स प्रेस एंटर, क्योंकि एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है ये, और अब हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ हमें एरर आ गया है। एरर है स्टैक डॉट पुश इवैल ऑफ वैल 2 प्लस आई प्लस वैल 1 में, और एरर है कॉन्कैटिनेशन एरर का, जो कि ये कह रहा है कि स्ट्रिंग को वो स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर सकता है, इंटीजर के साथ नहीं, इंट के साथ नहीं। पर नाउ सी वैल 2 एज वेल एज वैल 1 दोनों के ही जो टाइप है वो str है, मतलब स्ट्रिंग है, एज वेल एज आई जो है ऑपरेटर उसका भी जो टाइप है वो str ही है, क्योंकि हम इन तीनों को कहाँ से निकाल रहे हैं, ये जो हमारा exp स्ट्रिंग है, एक्सप्रेशन स्ट्रिंग है, उसमें से हम ले रहे हैं। अब एक्सप्रेशन खुद एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर के कैरेक्टर्स का भी टाइप जो है वो str ही रहने वाला है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ ये eval फंक्शन के वजह से। eval फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ले रहा है जो कि वेल 2 प्लस आई प्लस वेल 1 तीनों को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, उसे इवेलुएट कर रहा है, पर रिजल्ट जो है वो उसे एज एन इंटीजर दे रहा है। सो बेसिकली वो एक इंटीजर को स्टैक में पुश कर रहा है। सो अगर मैं यही कोड आपको अब आपको बेटर समझ में आएगा अगर मैं आपको फिर से रन करके दिखाऊं। सो जस्ट नाउ सी, अगर मैंने इसको फिर से रन किया और अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा 3 1 और एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया पोस्टफिक्स का। सो ये मल्टीप्लाई 3 1 स्टार बेसिकली क्या करेगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। सो नाउ सी इसका रिजल्ट हमें आ रहा है। नाउ ऐसा क्यों कि यहाँ पर एरर आ रहा था ये वाला एक्सप्रेशन जब हम लोगों ने दिया और यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है? सो रीज़न इज़ जब हम लोग ये वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो ये फॉर लूप जब इस एक्सप्रेशन पे चल रहा है, सो 3 और 1 को इजीली स्टैक में पुश कर रहा है, और जैसे ही ऑपरेटर आ रहा है वैसे ही वो उन दोनों को पॉप आउट करके उन लोग के ऊपर कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे दे रहा है, यानी इवेल जो है वो बेसिकली एक ही बार रन हो रहा है। इवेल की वजह से कोई एक आइटम जो है, एक ही आइटम जो है वो स्टैक में जा रहा है और उसे हम पॉप करके ये कर रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ यानी ये वाला पार्ट जो है फिर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ओनली वंस एग्जीक्यूट हो रहा है। सो यही मेरा बोलने का कोशिश है कि जब हम इसे रन करते हैं, जब ये वाला एक्सप्रेशन को हम रन करते हैं तो होता क्या है, 2 3 1 तीनों डिजिट है तो तीनों ही स्टैक में ऐड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाला ऑपरेटर आता है तो क्या करता है, 3 और 1 जो है यानी टॉप के दो एलिमेंट्स उन्हें पॉप आउट करता है और उन्हें मल्टीप्लाई करता है, और ये जो रिजल्ट है वो बेसिकली वो किस में स्टोर कर दे रहा है, वापस स्टैक में, यानी इवेल फंक्शन जो है ये बेसिकली वेल 2 का हमारा वेल 2 और वेल 1 का वैल्यू जो है 3 और 1 होंगे। सो इन दोनों को बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऑपरेटर आई जिसका वैल्यू स्टार होगा कैलकुलेट करके, तो जो इंटीजर वैल्यू है यानी जो 3 आएगा आंसर, उसे वो क्या कर दे रहा है, स्टैक में पुश कर रहा है। आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो 3 1 स्टार ये जो एक्सप्रेशन है ये पहले एग्जीक्यूट होगा। सो ये एक्सप्रेशन को ये इवेल फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर वेल 2 का वैल्यू जो है वो 3 होने वाला है, वेल 1 का वैल्यू 1, और यहाँ पर जो स्टार है वो आई का वैल्यू होने वाला है। सो ये इवेलुएट फंक्शन जो है इन्हें कैलकुलेट तो करेगा, कैलकुलेट करके आंसर भी 3 आएगा, पर ये जब उसे स्टैक में पुश करेगा सो ये टाइप चेंज नहीं कर रहा है, अभी ये जो 3 पुश हुआ वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, वो इंटीजर टाइप का है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अभी जब प्लस आता है तो वो क्या करता है, वो अगेन 2 को और 3 को यानी जो हम लोगों ने अभी इंसर्ट किया था उसे वो पॉप आउट करेगा। सो अब जब वहाँ पर आता है तो अभी यहाँ पे वेल 2 और वेल 1 का वैल्यू जो है बेसिकली क्या होएगा, 2 और 3। सो 2 और 3 जब आते हैं तो वेल 2 इज़ बेसिकली 2 और वेल 1 इज़ बेसिकली 3, पर यहाँ पर ये जो 3 है दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिंग टाइप, ये जो है ये कौन सा टाइप का है, इंट टाइप का है, और इसीलिए ये एरर जो है वो यहाँ पर आ रहा है।
ओके सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यानी ये eval फंक्शन को अगर हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट को हम स्टैक में पुश कर देंगे तो इंटीजर फॉर्मेट में वो पुश होता है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। सो इसके लिए हम सिंपली इसे क्या कर देंगे, कास्ट कर देंगे। सो str और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, str का पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। या अब हम इसे सेव कर देते हैं और रन करते हैं। सो नाउ लेट्स रन इट अगेन। अब हम यही वाला जो एक्सप्रेशन है इसे ही मैं पास करता हूँ एंड लेट्स चेक रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो या कंट्रोल सी एंड ओवर हियर या कंट्रोल वी। नाउ सी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट 5 है, बिल्कुल सही है रिजल्ट। यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑपरेटर जब स्टार आ रहा है तो हम 1 और 3 यानी 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट है वो अगेन स्टैक में पुश करेंगे तो आंसर जो है क्या हो जाएगा, 3। तो 2, 3 अभी स्टैक में क्या है, 2 और उसके ऊपर क्या है, 3। ये वाला एक्सप्रेशन के इवेल्यूशन के बाद तो 2, 3 और अभी यहाँ पर जब ऑपरेटर प्लस आएगा तो 2 और 3 दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी आंसर जो आएगा क्या आएगा, 5 होएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके एंड अगेन यहाँ पर अगर आपको जो टाइप जो है जो रिटर्न हो रहा है एलिमेंट, अगेन यहाँ पर इसका भी टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग ही है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे इंटीजर में भी चाहिए अगर तो ले कर सकते हैं, नहीं भी किया देन इट्स फाइन। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा इट्स रनिंग एब्सोल्युटली करेक्टली या सो ऐसे भी करेंगे तब भी चलेगा, नहीं भी करेंगे देन इट्स फाइन। सेव करके मैं एक बार आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ F5 या इस बार थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लेके दिखाता हूँ। 2, 3, 1 स्टार प्लस और उसके बाद में दे देते हैं 9 और उसके बाद में दे देते हैं माइनस। या नाउ लेट्स सी द आंसर। सो अगर आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवेलुएट करने आता है सो आप तो इसका रिजल्ट समझ ही चुके होंगे। एनीवे तो मैं हमने लास्ट टाइम ऊपर वाले पार्ट में समझाया था कि यहाँ तलक का एक्सप्रेशन जो है जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतने को इवेलुएट करने के बाद हमारा रिजल्ट 5 आता है। 5 के साथ अगर 9 अगर है स्टैक में और हमारा ऑपरेटर माइनस आता है तो 5 और 9 दोनों पॉप आउट होंगे और 5 माइनस 9 होगा, तो 5 माइनस 9 होगा तो हम ऑब्वियसली रिजल्ट जो है क्या होएगा, -4, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो पोस्टफिक्स इवेल्यूएशन एकदम प्रॉपरली हो रहा है। अब हम इसका ज़रा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक बड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा। सो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है जो कि सेम एक्सप्रेशन है जो मैंने कंसोल में शेल में रन करते वक्त जो मैंने एक्सप्रेशन डाला था, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है। सो इसका बैकएंड में वर्किंग कैसे हो रहा है अब हम वो समझेंगे। और यहाँ पर आपको कई स्टैक्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग स्टैक नहीं है, एक ही स्टैक के अलग अलग इटरेशन में क्या क्या कंडीशंस है वो लिखा हुआ है। फर्स्ट से लेके 7 इटरेशंस जो हैं उन सभी में स्टैक का स्टेट क्या है और क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया है। अब हम इस पूरे डायग्राम को विथ रेफरेंस टू दिस कोड समझेंगे। सो मान लीजिए यहाँ पर यूज़र ने जो एंटर किया एक्सप्रेशन वो है ये 2, 3, 1 star + 9 -। सो ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने जो कोड लिखा हुआ है ये पोस्टफिक्स इवेलुएट फंक्शन को कॉल करेगा बाय पासिंग दिस एक्सप्रेशन, यानी ये एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ पास होगा, पोस्टफिक्स इवेलुएट को। तो यहाँ पर exp का वैल्यू बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, ये जो exp है इसका वैल्यू ये वाला एक्सप्रेशन ही है। सो सबसे पहले हमने एक स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो उसे मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, जो कि बेसिकली एक एम्प्टी स्टैक होगा। अब फॉर आई इन exp, सो आई इन exp यानी exp जो ये एक्सप्रेशन है इसके हर एक आई के लिए ये लूप जो है वो चलने वाला है। हर एक आई मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए, 2 के लिए 3 के लिए 1 के लिए स्टार के लिए प्लस के लिए 9 के लिए माइनस के लिए सबके लिए चलेगा। सो क्या होएगा, तो इनिशियली सबसे पहले आई का वैल्यू क्या होएगा, ऑब्वियसली 2 होगा। सो वो चेक करेगा लूप में जब आई का वैल्यू जो भी होगा, पहले वो एक कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई जो है वो इज डिजिट, यानी आई जो है वो डिजिट है या नहीं है, आई जो है डिजिट है कि नहीं। तो 2 जो है ऑब्वियसली इट इज़ अ डिजिट, तो स्टैक में उसे वो क्या कर देगा, पुश कर देगा। सो यू कैन सी यहाँ पर आई का वैल्यू जब फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है। सो क्योंकि आई जो है यानी 2 जो है वो एक डिजिट है, सो हम लोग उसे सिंपली क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, उसका लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है अब। ओके सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब आई का वैल्यू अगेन आई का वैल्यू चेंज होगा, सो आई का वैल्यू क्या होगा, 3। सो अगेन सेकेंड इटरेशन में आई का वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है। सो अगेन यहाँ पे यही कंडीशन चेक करेगा ये कि इफ़ आई डॉट इज डिजिट, सो येस 3 भी एक डिजिट है, सो 3 को भी वो स्टैक में पुश कर देगा। सो अब हमारे स्टैक में 2 और उसके ऊपर क्या है, 3। सो अगेन
आई का वैल्यू इंक्रीज़ होकर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। सो अगेन हम चेक करेंगे कि क्या आई जो है इज डिजिट है, तो या वन जो है वो डिजिट है, सो वन भी स्टैक में क्या होएगा, पुश हो जाएगा। सो थर्ड इटरेशन में आप देख सकते हो, थर्ड इटरेशन में आई का वैल्यू जो कि वन था, अब क्योंकि वन एक डिजिट है सो वो भी स्टैक में पुश हो जाएगा। स्टैक में पहले से टू था, फिर थ्री आया सेकेंड इटरेशन में, अब वन भी है, तो स्टैक में हमारे वन, थ्री और टू है। अब नेक्स्ट टाइम जब फोर्थ इटरेशन, अब आई का वैल्यू जब बढ़ के क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। सो ये स्टार यानी एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई, सो ये है। अब यहाँ पे कंडीशन आएगा कि या आई जो है वो डिजिट है, सो आंसर इज नो आई, जो कि मतलब फोर्थ इटरेशन में जो कि हमारा आई का वैल्यू है यानी स्टार जो है वो एक डिजिट नहीं है, बराबर। सो क्योंकि वो एक डिजिट नहीं है, सो अब यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सो हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हम स्टैक को सबसे पहले पॉप करेंगे। सो स्टैक डॉट पॉप करके हम वैल वन में स्टोर करेंगे। सो अब फोर्थ इटरेशन में जब आई का वैल्यू स्टार था, तो हम जब स्टैक को पॉप आउट करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए स्टैक में सबसे पहले क्या था, वन। सो वो पॉप होके किस में स्टोर हो जाएगा, वेट, या स्टैक में जो है सबसे पहले क्या था, वन था, सो पॉप होके वैल वन में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ का जो वन है ये वैल वन में स्टोर हो चुका है पॉप होके, थर्ड इटरेशन में जो स्टैक का कंडीशन था उसके रेफरेंस में, समझिए। फिर वैल टू जो है वो क्या होगा, अगेन हम स्टैक को पॉप करके किस में रखने वाले हैं, वैल टू में रखने वाले हैं। सो अगेन वन तो पॉप होके वैल वन में आ जाएगा, फिर अगेन स्टैक पॉप होके ये जो थ्री है ये किस में आ जाएगा, वैल टू में आ जाएगा। ओके ओके, सो अब वैल टू का वैल्यू यानी क्या है, थ्री है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये इवेलुएट जो है वो होएगा क्या, वैल टू प्लस आई प्लस वैल वन। सो वैल टू क्या है, थ्री है, वैल वन क्या है, वन है, और आई क्या है, स्टार है। सो यही करिए आप, वैल टू प्लस आई प्लस वैल वन यानी थ्री इंटू आई, थ्री इंटू वन, इसको हम इवेलुएट में पास करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसे हम इवेलुएट में देंगे तो इसे सॉल्व कर देगा और हमें रिजल्ट क्या देगा, ये थ्री। इससे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, स्टैक में फिर से पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। सो ये थ्री इंटू वन यानी वैल वन प्लस आई प्लस वैल टू, सॉरी वैल टू प्लस आई प्लस वैल वन हुआ, और वो जो रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया उसे हमने यहाँ पर फिर से किसके अंदर स्टोर कर दिया, स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। सो यहाँ पर ये जो थ्री है ये वाला थ्री नहीं है, ये वाला थ्री ऑलरेडी हमने इधर पॉप आउट किया है, इसके पॉप होने के बाद हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आया उससे हमने इसमें पुश कर दिया। ओके सो अब फोर्थ इटरेशन हो गया, अब आई का वैल्यू क्या होएगा, एस्ट्रिक हो चुका है, सो आई का वैल्यू क्या होएगा, प्लस होएगा। सो अगेन यहाँ पे फिफ्थ इटरेशन में आप देख सकते हो आई का वैल्यू जो है वो क्या है, प्लस है। सो क्योंकि अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि क्या है आई एक डिजिट है, सो आंसर इज़ नो, आई डिजिट नहीं है, सो स्टैक में वो पुश नहीं होगा। अगेन हम स्टैक से दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। सो अब इस केस में आप फोर्थ इटरेशन को देख सकते हो कि स्टैक में थ्री था और उसके नीचे टू था। सो जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले वैल वन का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और वैल टू का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, करेक्ट। यानी दोनों आइटम्स ही यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, दोनों थ्री और टू पॉप होके वैल वन और वैल टू में आ जाएंगे। फिर से अगेन यही चीज़, वैल टू प्लस आई प्लस वैल वन, यानी वैल टू हमारा क्या है, टू, और आई का वैल्यू क्या है, प्लस। ओके सो टू प्लस प्लस आई यानी प्लस, और फिर उसके बाद में वैल वन, वैल वन यानी क्या है हमारा, थ्री। सो इसको हमने पूरा इवेलुएट किया और इसका रिजल्ट जो भी है, क्या रिजल्ट है इसका, फाइव, वो अभी क्या हो जाएगा, स्टैक में हमारा पुश हो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होके। सो यही फाइव को अब हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। तो अब हमारे पास स्टैक में ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट है, दैट इज़ फाइव। ओके आफ्टर इटरेशन फिफ्थ, अभी सिक्स इटरेशन में अब हम चलते हैं। अब आई का वैल्यू प्लस भी हो चुका है, नेक्स्ट आई का वैल्यू क्या होएगा, नाइन। सो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर भी नाइन होएगा, सो नाइन है। सो अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या आई एक डिजिट है, सो यस आई एक डिजिट है, नाइन एक डिजिट है, तो हम लोग उसे सिंपली क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, बराबर। यही वाला जो लाइन है ये फिर से रन होएगा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैक के ऊपर फाइव तो पहले से था ही, अब नाइन भी पुश हो चुका है। ओके अगेन आई का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, अब एट प्रेजेंट आई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम लास्ट माइनस हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है,
सो सी इटरेशन सिक्स में आई का वैल्यू 9 था जो कि एक डिजिट था, इसलिए हमने उसे पुश किया है। सो इटरेशन सेवन में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर एक माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगा, इफ़ आई डॉट इज डिजिट, क्या ये डिजिट है माइनस? नो, ये डिजिट नहीं है, सो ये स्टैक में पुश नहीं होगा। सो हमें सिंपली एल्स पार्ट में आना होगा। एल्स पार्ट में अगेन हम वही करने वाले हैं, वैल वन और वैल टू यानी आइटम्स को पॉप करके निकालेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 9 था, सो ये पॉप होके वैल वन में स्टोर हुआ, ओके। और उस तरीके से 5 जो है वो भी पॉप आउट होकर किस में स्टोर हुआ, वैल टू में स्टोर हुआ, ओके ओके। सो वैल वन और वैल टू 9 और 5 हैं अभी। सो अभी यहाँ पर अगेन यही एक्सप्रेशन जो है वो इवेलुएट होगा, वैल टू प्लस आई प्लस वैल वन। अभी वैल टू क्या है हमारा, 5 और उसके साथ में यहाँ पे जो प्लस है इसका मतलब प्लस नहीं है, ये बेसिकली कॉन्केटिनेट कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है। सो वैल टू प्लस आई प्लस वैल वन यानी वैल टू का जो भी वैल्यू है यानी 5, फिर उसके बाद में आई का वैल्यू यानी माइनस, और उसके बाद में वैल वन का वैल्यू यानी 9। सो अभी इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा रिजल्ट, -4 होगा इसका रिजल्ट। सो अब ये -4 स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम इसे अगेन क्या कर रहे हैं, स्टैक में स्टोर कर दे रहे हैं। सो एट लास्ट हमारे पास स्टैक में यानी आई के सारे, यानी जब आई जो है पूरा एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स कर रहा है, सॉरी जो फॉर लूप पूरा एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स कर चुका है यानी एकदम माइनस तल को पहुंच चुका है, तब स्टैक में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, -4, ओनली 1 एलिमेंट बाकी है। सो मैंने उस वक्त भी आपको समझाया था कि अगर एक्सप्रेशन एकदम सही है तो लास्ट में इवेलुएट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू होगा। सो अब हमें यही वैल्यू को क्या कर देना है, यूज़र को रिटर्न कर देना है। सो पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि आई का वैल्यू अब माइनस हो चुका है, एक्सप्रेशन में आगे और कोई कैरेक्टर्स नहीं है, सो आई विल बी टर्मिनेटेड ओवर हियर, लूप यहीं पर टर्मिनेट होगा। सो अब सिंपली क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या ये जो स्टैक डॉट पॉप है उसे करके, तो -4 को पॉप करेंगे स्टैक से, बराबर। -4 को हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे और यहाँ पर उसे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे और वही रिजल्ट आके यहाँ पे आंसर में स्टोर होगा और वही हम उसे यूज़र को क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। सो -4 यहाँ से पॉप होके एज आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये पूरा लॉजिक पूरा ड्राई रन समझ में आया होगा। आई थिंक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप चाहें तो आप अलग अलग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को लेकर इसी तरीके से अपने बुक में इवेलुएट करके देखिए और इसी कोड के रेफरेंस में करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड आगे के फर्दर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।